हरदोई के बेनीगंज पुलिस ने 9 फरवरी को हुई महिला की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने इस मामले की गुत्थी सुलझाते हुए महिला के पति सास व देवर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि महज 1,000 रुपए के चक्कर में यह हत्या हुई थी। हत्या को आत्महत्या का रूप देने के लिए महिला के शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर उन्हें जेल भेज दिया है और उनकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त तकिया, बट्टा व साड़ी को बरामद कर लिया है। एसपी अमित कुमार ने बताया कि 9 फरवरी को फूल सिंह निवासी हिरनी पतारा कानपुर नगर द्वारा अपनी पुत्री चांदनी की हत्या का मुकदमा बेनीगंज में दर्ज करवाया गया था। इस मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम करके मुकदमा दर्ज करने की जांच शुरू कर दी है। इस मामले में मृतका के पति, सास और देवर को अतरौली मोड़ कोटखावा के पास से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान इन तीनों ने बताया कि उन्होंने मामूली बात को लेकर महिला को मारा पीटा था और फिर तकिए से दबाकर हत्या करने के बाद शव को फांसी पर लटका कर आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया था। पुलिस ने मामले में तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हरदोई से संवाददाता शाहिद अली की रिपोर्ट। ये 8 और 9 फरवरी की रात को एक औरत चांदनी नाम की महिला, जिसकी उम्र कब लगभग 30 वर्ष है, इसकी हत्या हो गई थी। जिसमें जब पूरी जानकारी की गई तो इसकी 10 वर्ष पहले शादी हुई थी और गेहूं के पैसे को बेचने को लेकर कुछ विवाद था आपस में पति पत्नी के बीच में, जिसमें बाद में इसे आपस में लड़ाई हुई, जिसमें पत्थर से इसके सर पर मारा गया था। बाद में इसका इलाज कराया गया। उसके बाद दोबारा जब झगड़ा हुआ तो रात में उन्होंने तकिया से मुँह पर रख के उसको मार डाला, जिसमें पति और उसके सास और देवर, ये तीनों ही इन्वॉल्व थे। तीनों को जेल भेजा जा रहा है और पूरी कार्रवाई की जा रही है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।